आचार संहिता दौरान कामों में प्रशासन को व्यस्त देख रेती चोरी को अंजाम दे रहे चालकों को पकड़कर 60 ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई तुमसर की उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव ने की। यह कार्रवाई गुरुवार 21 मार्च को नवरगांव से तामसवाड़ी रोड पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 35,56,000 रुपयों का माल जब्त किया गया। साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में तामसवाड़ी ग्राम निवासी चालक लीलाधर वासुदेव बनकर उम्र 41 वर्ष, उमरवाड़ा निवासी जितेंद्र राजकुमार देवगढ़े उम्र 25 वर्ष, अनमोल युवराज बोंद्रे उम्र 28 वर्ष, रवि फकीर मालबते उम्र 38 वर्ष, संजय राजेश्वर सोनवाने उम्र 37 वर्ष, मोगाव खदान ग्राम निवासी रोहित जाम सिंह परदेती उम्र 18 वर्ष, नवरगांव निवासी प्रकाश गोपाल कामथे उम्र 38 वर्ष, सीतेपा निवासी ट्रैक्टर मालक आदिनाथ सुरेश सारवे उम्र 30 वर्ष, तुमसर के दत्तात्रेय नगर निवासी सलाम दिलवर तुरक उम्र 55 वर्ष, तुड़का ग्राम निवासी संदीप कुकड़े तुमसर के बड़ा बाजार निवासी नितिन समृद्ध उम्र 50 वर्ष, प्रवीण फटिंग उम्र 40 वर्ष, नवरगांव निवासी प्रभाकर कान्हा गुरवे उम्र 40 वर्ष, इन चालक व मालिकों का समावेश है। तुमसर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव को नवरगांव से तामसवाड़ी रोड से रेत चोरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अधिकारी ने दल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रेती चुरा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली 6 मोबाइल समेत कुल 35,56,000 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों पर तुमसर थाने में धारा 379 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक विजय पंचबुद्धे, पुलिस उपनिरीक्षक निवृत्ति गीते जांच कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।